नगर निगम की, जिसे हम सब लोग म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसे शहरी स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नगर निगम, जैसा कि इसे इंग्लिश में म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज के सबसे पहले हम जो हिस्टोरिकल्स हैं, जो हमारा ऐतिहासिक इंसिडेंट हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज की, नगर निगम की, तो ये उस क्षेत्र में बनाया जाता है जिसमें शहरों के बहुत बड़े भाग का योगदान होता है। दोस्तों, अगर हम भारत में बात करते हैं तो जो भारत में नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटीज है, ये साल 1687 और 88 में बनाया गया था। 1687 और 1688 में, मतलब 1687-1688 में नगर निगम का जो उद्घाटन हुआ था, उस समय सबसे पहले मद्रास में हुआ था, भारत देश के मद्रास में हुआ था। दोस्तों, मद्रास में 1688 में नगर निगम का प्रावधान सबसे पहले रखा गया मद्रास में। मद्रास, जैसा कि ये साउथ इंडिया में आता है, जिसे हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में एक्चुअली ये पार्ट आता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे भारत देश में नगर निगम की, तो आज के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे और प्रावधानिक रूप से राज्य विधानसभा के अंदर आते हैं, क्योंकि समय समय पर भारत सरकार और केंद्र सरकार ने इन्हें बहुत अच्छे आर्थिक और विकास की उन्नति के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाए हैं हमारे नगर निगम के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नगर निगम की, तो नगर निगम को 8 प्रकार के स्थानीय शासन में बांटा गया है। सबसे पहले एक जो नगर निगम आता है, और दूसरा आता है नगर पालिका। और अभी इसके बारे में दोस्तों हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, नगर निगम क्या होता है, नगर पालिकाएं क्या होती हैं, नगर पालिकाएं परिषद क्या होती हैं। और दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं नगर निगम की, नगर परिषद की, नगर परिषद पालिकाएं की, और अनुसूचित क्षेत्र, जिसे हम अधिसूचित क्षेत्र के नाम से जानते हैं, अधिसूचित क्षेत्र, और इसके बाद शहरी क्षेत्र, जिसे हम नगरीय क्षेत्र समित कहते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समित रहे हैं, और इसके साथ जो पत्तन है, पत्तन जिसे हम बंदरगाह का बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, ये समितियां हैं। और इसके साथ साथ में दोस्तों अन्य एजेंसियां आती हैं जो अनुसूचित क्षेत्र समितियां के द्वारा बनाई गई हैं। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनको ये पावर है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं, यानी एसटी और एसटी, एससी एसटी घोषित कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को वो डिफाइन कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। ये पावर हमारे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ भारत देश के राष्ट्रपति के पास ही है। दोस्तों, हम बात करते हैं अभी मंत्रालय की। जो मंत्रालय है दोस्तों, भारत देश में जो मंत्रालय है, मंत्रालय ये 3 मंत्रालय हैं भारत देश में। एक जो 1985 में दोस्तों, जो सबसे पहले नगर विकास परिषद, नगर विकास परिषद सबसे पहले भारत देश में स्टेबलाइज किया गया नगर विकास परिषद के नाम से। और उसके बाद दूसरा जो है वो है कंटोनमेंट बोर्ड, जिसे हम रक्षा मंत्रालय कहते हैं, उसका उद्घाटन किया गया। जो कंटोनमेंट बोर्ड है दोस्तों, ये साल 2006 में केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया। और इस जो हमारा कंटोनमेंट बोर्ड है, इसको
जनसंख्या के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि शहरी एरिया में बहुत बड़े बड़े बहुत काफ़ी मात्रा में जनसंख्याएं मिलती हैं शहरी एरिया में, तो वहां पर जो बोर्डों की भी स्थापना की गई है। अभी आगे हम आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में भी अवगत कराएंगे। और तीसरा है हमारा एक हमारा नगर विकास परिषद जो 1985 में बनाया गया और उसके बाद 2006 में कंटोनमेंट बोर्ड बनाया गया, जिसे रक्षा मंत्रालय सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर के अंदर रखा गया है, रक्षा मंत्रालय के अंदर रखा गया। और जो तीसरा है संघीय व्यवस्था है, जिसके अंदर उसे गृह मंत्रालय बनाया गया है। दोस्तों तीन जो है स्थानीय शासन में तीन नगर को बनाया गया है। एक है हमारा नगर विकास परिषद, और जो दूसरा है वो है छावनी या जिसे कंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं छावनी, और जो तीसरा है दोस्तों वो रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, जिसे संघीय अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। ये तीन प्रकार के हमारे जो स्थानीय शासन है वो वर्गीकृत किया गया है। और इसके साथ में जो संवैधानिक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं संविधान में। इसके पहले दोस्तों 1989 में आप लोग ने 1989 में राजीव गांधी ने सबसे पहले इस योजना को बनाया था और लोकसभा में भी पास कराया इस नगर पालिका को, म्यूनिसिपैलिटीज को 1989 में। लेकिन लोकसभा से पास होके फिर आगे राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में इस योजना को निरस्त कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद में ये बना नहीं, 2006 में कंटोनमेंट बोर्ड की फिर स्थापना की गई दोस्तों। 2006 में कंटोनमेंट बोर्ड मतलब छावनी बोर्ड की स्थापना की गई, और इसकी जो स्थापना की गई 2006 में इसको पॉपुलेशन के ऊपर की गई है दोस्तों। पॉपुलेशन के ऊपर वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि जो 50,000 हैं, जो 50,000 से अधिक हैं कंटोनमेंट बोर्ड में, चार तरह के लोगों को रखा गया है, चार तरह की जो जनसंख्या है उन पर वर्गीकृत किया गया है। एक 50,000 से अधिक है, दूसरा जो 10,000 से 50,000 के बीच में है, और दूसरा तीसरा जो है 2,500 से 10,000 के बीच में, और जो उसके बाद जो चौथा है दोस्तों, जो चौथा है वो 2,500 से ऊपर के लोगों के लिए रखा गया है। इसे चार प्रकार के स्थानीय जनसंख्या द्वारा वर्गीकृत किया गया है हमारे भारत देश में। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अभी संवैधानिक की, जो संवैधानिककरण है इसे साल 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम में दोस्तों, जो 74वां संशोधन अधिनियम हुआ था, संशोधन अधिनियम ये हुआ था 1992 में 74वां जो 74वें था संशोधन अधिनियम में आर्टिकल्स 243 जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 243 छः से 243 ता तक ये यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट किया गया है। और ये किस भाग में किया गया है दोस्तों, इसे अनुसूची 12 में रखा गया है दोस्तों। जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम में आर्टिकल्स 243 मतलब 243 छः से 243 ता तक इसका विज्ञापन किया गया है। और ये अनुसूची जो हमारे भारत देश में अनुसूची 12वें भाग में जोड़ा गया है, क्योंकि ये जो म्यूनिसिपैलिटीज है ये हमारे राज्य विधानसभा के अंदर आते हैं, इसलिए बनाई जाती हैं दोस्तों कि जो हमारा शहर है उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है इसको भी और ज़्यादा अपग्रेड किया जा सके, क्योंकि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है इसके चलते पूरे देश का विकास होना
है, क्योंकि ये माना जाता है भारत देश में कि अगर भारत का शहर, भारत का जो सोसाइटी है, इनका विकास होगा, इसके बाद सोसाइटी के बाद में जो हमारा शहर है पूरा, इनका अगर विकास होगा, जब ये विकसित होंगे तब हमारा, जब हमारा शहर विकसित होगा तो हमारे, हमारा राज्य विकसित होगा, जब हमारा राज्य विकसित होगा तो दोस्तों फिर हमारा देश विकसित होगा। इस पर्पज से जो हमारे भारत देश का जो म्युनिसिपैलिटीज है, नगर निगम है, इनको और आगे बनाया जा रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अभी नगर पालिकाएं की, तो भारत देश में तीन प्रकार की स्थानीय नगर पालिकाएं घोषित की गई हैं, एक नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद और जो तीसरा है नगर निगम। अभी दोस्तों इन तीन जो स्थानीय शासन है इनका अलग अलग व्यू ऑफ पॉइंट के ऊपर इनका डेफिनेशन भी दिया गया है। जो नगर पंचायत है वो शहरी क्षेत्र हैं, वो गांव के क्षेत्र हैं। नगर पंचायत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो जो नगर पालिकाएँ हैं हमारा तीन प्रकार की होती हैं, एक नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिकाएँ परिषद और जो तीसरा है नगर निगम है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, जिसे हम नगर पंचायत के नाम से जानते हैं, तो जो नगर पंचायत है हमारे भारत देश में ऐसे गाँव, ऐसे अनुसूचित गांव जो शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। दोस्तों ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे शहर के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं उसे हम नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नगर पालिकाएं परिषद की, तो नगर पालिकाएं वो क्षेत्र हैं जो छोटे स्तर पर शहरीय स्थानीय शासन रखते हैं, जो छोटे स्तर पर जैसे कस्बा, टाउनशिप, ये हमारे नगर पालिकाएँ परिषद के अंदर आती हैं। अगर हम दोस्त बात करते हैं नगर निगम की, तो ये बहुत बड़े और सबसे बड़े जो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, मीन्स ये सब जो प्लेसेस हैं दोस्तों, ये प्लेस नगर निगम के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े शहर हैं और इसीलिए इस शहर को हम नगर निगम के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो नगर निगम है वहाँ से भी लोगों को इलेक्टेड किया जाता है, मतलब जो परिषद के रूप में उनको चुना जाता है, और ये जो परिषद है निर्वाचन का ये सब पूरा प्रोसेस अंडर विधानसभा राज्य के अंदर किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नगर निगम की, तो नगर निगम की तीन विशेषताएं हैं, तीन प्राधिकरण है जिसे हम परिषद, और पहला जो है परिषद, तो दूसरा जो है स्थानीय समिति, और जो तीसरा है उसे आयुक्त में हम डिवाइड करते हैं। तीन प्रकार की व्यवस्थाओं में हम डिवाइड करते हैं। दूसरा ये है दोस्तों, इन परिषद को, इन जो स्थानीय समिति हैं और जो इन आयुक्ति हैं, इनके ऊपर भी पदाधिकारी आईएएस लेवल का एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है और एक दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आप लोग ये देख रहे होंगे कि अब इस आयुक्त के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले जो ग्रामीण स्तर हैं उनको ब्लॉक स्तर में डेवलप करना है, और ब्लॉक स्तर को फिर जो स्टेट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट स्तर है उस लेवल तक जो डेवलप करना है। ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका जिला है, जिला का जो अधिकारी होगा वो हमारे स्थानीय समिति का और हमारे नगर पंचायत का भी संयुक्त आयुक्त घोषित होगा। दोस्तों संयुक्त आयुक्त घोषित होने का मतलब ये है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा हेड होगा वो आईएएस लेवल का एक सदस्य होगा, जो इस सभी क्रियाकलापों को, उपबंधनों को मजबूत करेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही।